बासाहा से मिलाते हैं। चलिए देखिए बाबा पीतल का बासा बना हुआ है, देखिए आप लोग को मिलाते हैं। आइए दिखाइए दिखाइए मुझको नंदी बना ले, अपना संगी बना ले, अपना बंदी बना। हाय गाइस, आज का हम लोग का न्यू ब्लॉग, आज हम लोग सोमेश्वर नाथ के पास पहुंचने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में हम लोग आपको बाबा से दर्शन कराएंगे, आप लोग देखते रहिए हमारे ब्लॉग को। हम लोग बाबा के नगरी के पास पहुंच चुके हैं और ये हम लोग फर्स्ट गेट है, फर्स्ट गेट देखिए फर्स्ट बाबा सोमेश्वर नाथ के पास पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में आप लोगों को अंदर बाबा से मिलाते हैं और ब्लॉग पे बने रहिए। के पास पहुंच चुके हैं और हमारे साथ है गोविंदा सहनी जी और हमारे छोटे भाई, और ये ठहराव आश्रम है यहाँ का, ठहराव घर जहाँ पे आकर यहाँ पे ठहरा जाता है, यहाँ पे शादी उदी करने के बाद भोजन खिलाया जाता है। देखिए कुछ ये बड़ी अच्छी बात कही आप, शादी करने आए हैं और जब आप यहाँ पे आइएगा तो ये फूल और जल दिया जाता है आपको बाबा को चढ़ाने के लिए। और बाबा के मेन गेट पे अब हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे मेन गेट से। और ये देखिए आ रहे हैं हमारे हमारे राहुल राज कॉमेडी स्टार एस आर के कॉमेडी ब्लॉग चैनल है, एस आर के कॉमेडी ब्लॉग। और हम लोग ये पूरा परिसर है, परिसर में जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ है उस रास्ते के द्वारा हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और हम लोग धीरे धीरे हम लोग बाबा से जल्द ही मुलाकात करेंगे, हम लोग बाबा के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। यही है गर्भगृह बाबा का। देखिए देखिए बाबा है सोमेश्वर नाथ। हर हर महादेव, हम लोग जा रहे हैं देखिए बाबा से, हम लोग मिल के आते हैं, फिर उसके बाद जो होगा आपको दिखाएंगे क्या क्या है यहाँ पे, मिलते हैं बाबा से। रुक लीजिए, और बाबा को हम लोग प्रणाम करने जा रहे हैं। देखिए आप लोग बने रहिए बने रहिए, आगे आगे दिखाते हैं। हम लोग फाइनली बाबा से मिल लिए हैं, अब आगे आगे दिखाते हैं। देखते नंबर ले लिया बात करने, हम लोग बाबा सोमेश्वर नाथ के दर्शन करने के बाद अब इधर मेला में हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देखें हम लोग धान पान में विश्वास रखते हैं। सोमेश्वरनाथ मंदिर पे जो दुकान है, मेला लगा हुआ है, वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे मंदिर में घूम रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं कुछ कन्याओं को देखने के लिए, मिलती है कि नहीं। देखो देखो दरिंद की चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कबीना है। जी जी जी, आंखें देखो नियत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। मिलती है कि नहीं, मिलती है कि नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, बाबा का कृपा रहेगा तो मिलेगा। आप लोगों के लिए भी कुछ हम लोग मांग लिए हैं, मांगेंगे, बने रहिए। अभी देखिए क्या क्या है। हमारे जब मेला में घूम रहे थे तो हमारे ही संपर्क है, अपना ही दुकान है, मिलाते हैं आपको। और हमारे मिलाइए उस दुकान के ओनर है। बोलिए कुछ मेरे ब्लॉग में है, बोले बोलिए ना क्या, बोलिए ना कुछ। बैग बैग चलिए बोलिए भाई, बोलता है और चलिए बुलाइए, दिख जाइए बुलाइए। नीरज भाई के एक भाई है वो भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, कुछ ना बोले बारे में कैसे देते हैं पंडित जी हमारे जो एक है पैसा गिन रहे हैं और पूजा जल और बाबा कई रुपए में देवे नहीं 10 रुपया
तनी हमने चैनल में बोल दी कि ब्लॉग बनाते हैं सर 10 रुपये इसका के पर लगी पानी की कीमत कोई नहीं होता है देने वालों को हर हर महादेव शंभु कैलाश पे भी हर महादेव रुकिए हर हर हमारे भैया शंभु कैलाश और इसमें अर्जाम लखरा होता है जब यहाँ पे आइएगा तो अर्जाम लखरा होता है इस भवन में तो सामने वाला भवन है अर्जाम लखरा होता है ये देखिए और हम लोग जो हमारे राज का जो पोखरा है पोखरा दिखाइए देखिए पोखरा का नजारा स्नान जब आइएगा आप यहाँ पूजा करने तो इसमें स्नान करके ही पूजा करने पोखरा में कांवरिये लोग आते हैं और फ्रेश होते हैं नहाते धोते हैं पूजा करते हैं अरे राज मंदिर है और ये हमारी हम लोग बाबा से मिल लिए बाकी मेला वाला था जो आप लोग दिखा दिए हैं आप लोग बने रहिए उसी पलों में अब हम लोग बाबा से विदाई लेंगे हम बाबा के बासाह से मिलाते हैं चलिए देखिए बाबा का शीतल का बासाह बना हुआ है देखिए आप लोग को मिलाते हैं आइए दिखाइए दिखाइए नंदी भवन बाबा के पास हाँ है और ये श्री हनुमान जी का मंदिर है आइए आप लोग बजरंग बली से मिलाते हैं आइए आइए हनुमान जी का मंदिर है बाबा से कुछ बुला लीजिए बाबा जी मंदिर के बारे में कुछ बोल दीजिए हम लोग का चैनल ब्लॉग है आप इस मंदिर के बारे में इस तरह के ब्लॉग है चैनल हम लोग का ब्लॉग चैनल कुछ बोल दीजिए बोलिए ना इस मंदिर के बारे में विशेषता कुछ बताइए ताकि लोग सब्सक्राइब करें ये सोमेश्वरनाथ मंदिर जो है चंद्रमा द्वारा स्थापित किया हुआ है जी जी जो भगवान चंद्रमा ने इसको स्थापित किया था तभी से सोमेश्वरनाथ मंदिर का पता नहीं कि कौन का ये चंद्रमा जी का स्थापित किया हुआ है क्यों नहीं हुआ तभी से आप भारी मात्रा में आते हैं जो भी मन्नत मांग आते हैं भगवान मन्नत पूरा करते हैं इसलिए इनका विशेष विशेषता यही है कि चंद्रमा का स्थापन किया हुआ है मंदिर बाबू लोग दिन दुगुना रात चौगुना करे कष्ट को दूर हो और जहाँ रहे इन लोग का झंडा पहाड़ बजरंग बली की जय हाय गाइस जब हम लोग बाबा से मिल लिए हैं और हम लोग घर के लिए प्रस्थान करेंगे आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बाय।